चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से बच्चे मैं आप लोगों के बीच में हूँ अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर बेटा। और मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही आप लोगों को करंट की क्लास दूंगा बच्चे, और करंट की ये क्लास होगी। इसमें जो भी 10 15 20 क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा वो हम सॉल्व कराएंगे। और मैंने बच्चे कहा था कि करंट्स के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी स्टैटिस्टिक जीके के क्वेश्चन होंगे बच्चा, जो बना सकते हैं बच्चे, जितनी जानकारी होती है तो उसको भी मैं यहाँ पर बताते हुए चलूंगा बच्चे, ठीक है। और मैंने कहा था ये क्लास नाइट की होगी बच्चे, 9 PM की होगी, और प्रयास करूंगा कि जल्दी आप लोगों को, क्योंकि करंट्स की संख्या इधर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो और NTPC ये 100 दिन का टारगेट रखा गया है बच्चे कि 15 दिसंबर से पहले आपके मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम जीके को तैयार करें बेटा, ठीक है। तो ये करंट्स की क्लास होगी, और हम बच्चे सारे बच्चों को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बच्चे जो 40 क्वेश्चंस आपके RRB NTPC में आने वाले हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपको पता है सर कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है भाई, तो जब चारों तरफ से क्वेश्चन को कलेक्ट करोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज है बच्चे करंट्स का, पहले तो था कि सर 6 महीने के करंट्स आ जाते थे, अभी तो 2019 का भी करंट्स पूछ ले रहे, 18 का भी उठाकर डाल दे रहे हैं। तो जो अभी बच्चे स्टार्टिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट्स हैं, जितना मुझ में क्षमता है बच्चे उतना मैं करंट्स आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो रात में ही बच्चे करंट्स की क्लास पड़ेगी, और जितने बच्चे हो मैक्सिमम बच्चे लाइव रहने का प्रयास किया करो बच्चे, और इसे शेयर लाइक जरूर कर दे, क्योंकि करंट्स पहुंचाओ लोगों तक बेटा, ठीक है। और जितना हमसे हो रहा है बच्चे वो मैं आप लोगों को कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो बच्चे समय ना गवाते हुए, और प्रयास करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग बच्चे 6 बजे भी मैं बच्चे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे भी मैं 10-15 करंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिया करूंगा। तो जब सुबह और शाम का बच्चे क्लास हो जाएगा तो आपके करीब एक दिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट 10-15-20 क्वेश्चन होंगे करंट्स के, वो आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा था ये सिर्फ करंट्स नहीं होगा कि क्वेश्चन देखा आंसर नहीं बच्चे, उससे संबंधित जितने भी अन्य एक्स्ट्रा पॉइंट है और ऑप्शन से भी कुछ पॉइंट है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो बच्चे, कम से कम इतना करो, इतना मेहनत हो रहा है ना। तो चलो बच्चे आपके स्क्रीन पर पहला करंट का क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए बच्चे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखिएगा और ध्यान से पढ़कर बच्चे सारे ऑप्शन को ध्यान से देखकर आप बताएंगे आंसर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जोड़ने की मंजूरी प्रदान की बच्चे, मंजूरी कर लेना यहां पर बच्चे, मंजूरी प्रदान की बेटा, ठीक है, मंजूरी प्रदान की, यानी कि जितना एरिया था इन तीनों नेशनल पार्कों का, कोई एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके एरिया को और बढ़ा दिया गया है और इसका क्षेत्रफल बच्चे 3000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ाया गया। तो सबसे पहले तो बताओ यार, मानस राष्ट्रीय पार्क, नमेरी राष्ट्रीय पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है, जल्दी से सारे बच्चे, और ये तीनों बच्चे आप बताओगे तीनों का आंसर, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जल्दी से सारे बच्चे बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चे ऑप्शन देखो, मानस राष्ट्रीय पार्क है ये आपका असम में है, दूसरा है नमेरी राष्ट्रीय पार्क है ये भी आपका असम में है, और सारे बच्चे जानते हो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी कहां है, असम में है। यानी ये तीनों राष्ट्रीय पार्क बेटा भारत के किस राज्य में है, असम। असम की राजधानी बताओ जल्दी से सारे बच्चे, असम की राजधानी बताएंगे, असम की राजधानी बताइए, असम की राजधानी बताएंगे आप लोग। फिर मुझे बच्चे यहां पर क्वेश्चन अब सॉल्व करना है कि सर कौन सा ऐसा बच्चे राष्ट्रीय पार्क है, तो यहां पर जो ऑप्शन आपका सही होगा बच्चे काजीरंगा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को बच्चे 3000 हेक्टेयर भूमि को बच्चे सुरक्षित करने के लिए, जीवों को सुरक्षित करने के लिए इसका लैंड एरिया बढ़ा दिया गया है बच्चे, इसका लैंड एरिया क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो सर, इसे 1974 में
इसे 1974 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। इसे 1974 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया किसको, तो आप बोलोगे काजीरंगा को। बच्चे काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है सर एक सींग वाला गैंडा यानी राइनो के लिए प्रसिद्ध है। बच्चे कितने सींग वाला, एक सींग वाले गैंडे के लिए, विश्व में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा बच्चे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम भारत में स्थित है। महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, काजीरंगा को यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में शामिल कर लिया गया। किसमें बेटा, यूनेस्को में बच्चे विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया। ये डेट देख लेना बच्चे 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत श्रेणी में शामिल कर लिया बच्चे, यानी विश्व धरोहर में शामिल किया। लिख देना सर यूनेस्को ने विश्व धरोहर में, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया बेटा, क्लियर हो जाएगा। ये भी आपका एक पॉइंट आया। अगर बच्चे यूनेस्को का फुल फॉर्म ना जानते हो तो लिख लेना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है पेरिस। पेरिस कहाँ है, सीन नदी के किनारे है बच्चे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी बच्चे। और यूनेस्को का जो कार्य है बेटा विश्व, इसका कार्य ऐसे लिख दो बच्चे, विश्व धरोहर को, विश्व धरोहर को संरक्षण देना। विश्व धरोहर को क्या देना, संरक्षण देना बेटा। इतना नोट करेंगे सारे लोग बेटा, जल्दी से नोट करिएगा, बहुत तेज करिएगा, क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमने पहला कहा कि इन तीनों राष्ट्रीय पार्क असम में हैं, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। फिर मैंने कहा सर किसकी लैंड बढ़ाई गई है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, काजीरंगा। कितने हजार बच्चे जमीन बढ़ाया गया सर, 3000 हेक्टेयर भूमि को और जोड़ दिया गया है, ठीक है। काजीरंगा भारत के कौन से राज्य में है, तो आप बोलोगे असम में है। असम की राजधानी पूछा था, आप बता दिए बेटा। कितने सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे सर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला, 1974 में मिला। विश्व धरोहर सूची में इसको किसने शामिल किया, तो आप बोलोगे यूनेस्को ने शामिल किया। यूनेस्को ने कब शामिल किया इसे, तो 1985 के करीब शामिल किया बेटा। फिर मैंने कहा यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एजुकेशनल का मतलब शिक्षण संस्थाओं को भी बच्चे, ठीक है। साइंटिफिक, जो बच्चे साइंटिफिक तरीके से जो भी होंगे संसाधन शोध बढ़ा रहे होंगे। कल्चरल, जितने भी सांस्कृतिक कार्य होंगे, अभी जयपुर वगैरह का नाम सुना है, सब बताएंगे बेटा। इनका क्या करना, संगठन है बेटा, इसकी स्थापना 1945 में हुई, इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस राजधानी है कहां की, फ्रांस की बेटा। फ्रांस आपको पता है सर, फ्रांस में मच्छर नाम की कोई चीज नहीं है, एक यूरोपीय कंट्री है बेटा, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज आप ये देखो, एफेल टावर भी पेरिस में है बेटा। एफेल टावर कहां है, पेरिस में है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है। और पेरिस राजधानी कहां की है, फ्रांस की है। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। सीन नदी कहां बहती है, फ्रांस में बहती है। शहर है पेरिस है, क्लियर हो जाएगा। नोट करो इसे जल्दी से, सारे बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से।
ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लो बच्चे, अगर पूछा जाए कि सर यूनेस्को का हेड कौन है, यूनेस्को का जो हेड है बच्चे, हेड का मतलब अध्यक्ष जो है बच्चे, अजोले है, एंड्रयू अजोले है बच्चे, एंड्रयू अजोले इसी के हेड है बच्चे, अध्यक्ष है यूनेस्को के, अध्यक्ष है यूनेस्को के, ठीक है। ये भी आपका एक नया पॉइंट आ गया, करंट पॉइंट हो गया। इसी में दो पॉइंट्स और अगर बच रहा हो कुछ तो देख लो बच्चे, एनडी अजोले हो गए। फिर उसके बाद बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका काजीरंगा था, जो काजीरंगा है बच्चे, इसे टाइगर रिजर्व के लिए भी रखा गया है, यहाँ पर टाइगर भी रिजर्व किए गए हैं और इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है 1907 में। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया काजीरंगा को, 1907 में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि टाइगर रिजर्व प्रोग्राम कब चला था, टाइगर रिजर्व प्रोग्राम कब चलाया गया था बच्चे, तो आपको पता है ये प्रोग्राम 1973 को चलाया गया था, कौन से सन में, यानी टाइगरों को सुरक्षित करने का बच्चे जो प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट लिख दो सीधा सा समझ में आ जाएगा। जो टाइगर प्रोजेक्ट था बेटा वो 1973 में है और काजीरंगा को टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित किया गया था 1907 में, ठीक है, 1907 में बेटा, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध था, राष्ट्रीय पार्क 1974 में बना, फिर बच्चे 1985 में विश्व धरोहर सूची में गया, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, असम के मध्य से बहती है एक नदी जिसका नाम क्या है, बोलो जल्दी से, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं पूछूंगा सबसे बड़ी तो आप लगाओगे ब्रह्मपुत्र, और अगर मैं भारत की सबसे लंबी नदी पूछूंगा तो आप लगाओगे गंगा। ये करीब 3000 किलोमीटर बहती है और ये करीब 2525 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर बहती है, ठीक है बेटा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, यहां तक बताओ समझ में आ गया, हमारा करंट भी हो गया और कुछ जीके आया और ये जीके भी आपका सही हो गया। ठीक है, तो काजीरंगा किस नदी के किनारे है, तो आप तुरंत बोलोगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है सर। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो बोलोगे सर एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है। सर इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1974, यूनेस्को ने शामिल किया 1985, क्लियर बेटा। टाइगर रिजर्व बनाया गया 1907, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब चलाया गया 1973 में, कौन से नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है बेटा। चेमा इंगुडुंग ग्लेशियर से निकलती है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, गंगा, क्लियर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा और इसे नोट करो और स्पीड से नोट करो बच्चे, स्लो नहीं चलेगा नहीं तो क्वेश्चन बहुत कम हो पाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य नौसेना, नौसेना का मतलब समझ रहे हो बच्चे, तीन सेना होती है, जल सेना, थल सेना और नौसेना, और नौसेना बच्चे आपको पता है जब कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, ज्वाइंट बच्चे फायर करता है, तो ये आपको पता है पानी में किया जाएगा। तो लिखा है हाल ही में किन दो देशों के मध्य नौसेना युद्ध अभ्यास, इंद्र नेवी, कौन सी नेवी बेटा, इंद्र नेवी, इंद्र नेवी 2020, इंद्र नेवी 2020 बेटा, बंगाल की खाड़ी यानी बे आप बंगाल, ये तो पता चल गया कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो ये कहां हुआ है, बंगाल की खाड़ी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि इंद्र नेवी 2020 कौन सी जगह पर आयोजित किया गया नौसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो आप बोलोगे सर बंगाल की खाड़ी में हुआ, ना कि हिंद महासागर और ना कि अरब सागर में, क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका बन गया, फिर दूसरा होगा सर कि इसमें किन किन देशों ने किया, तो रा से होता है रूस यानी रसिया, और आई से होता है बच्चे इंडिया, और इंडिया का मतलब भारत, तो ये बच्चे किन दो देशों के मध्य था, भारत और रूस के मध्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित हुआ है बच्चे, ठीक है। ये 4 से 5 सितंबर,
चार से पांच सितंबर बच्चे, ठीक है, कहां? बंगाल की खाड़ी में। कहां? बंगाल की खाड़ी में। अब पक्का है बच्चे, नौसेना है तो युद्ध पोत ने भाग लिया होगा, क्लियर हो जाएगा, जहाजों ने भाग लिया होगा, जिसे हम जंगी जहाज कहते हैं बच्चे। तो भारत देश की तरफ से जो जंगी जहाज गई थी बच्चे, उसका नाम था रणविजय। तो लिख देना, भारत की तरफ से जो जंगी जहाज गया था उसका नाम था रणविजय। रणविजय जंगी जहाज है बच्चे। तो पता है रूस के भी तरफ से कोई ना कोई आया होगा, और रूस की तरफ से जो आया था उसे विनोग्रो कहते हैं बच्चे। क्या नाम है? विनोग्रो, विनोग्रो। और रणविजय, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, जिसे हम इंद्र नेवी के नाम से जानते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है, 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य हुआ है, और ये भारत और रूस के बीच बचे। रूस की जो मुद्रा है वो तो सबको पता है, रूस की मुद्रा और रूस की राजधानी बताओ आप लोग, रूस की मुद्रा आप लोग और रूस की राजधानी बताओगे, रूस की मुद्रा और रूस की राजधानी जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो सेकंड हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड हो जाएगा, भारत और रूस। यहां पर देखो बच्चे, भारत और अमेरिका भी लिखा हुआ है, भारत और अमेरिका भी लिखा हुआ है, तो भारत और अमेरिका लिख लीजिएगा कहीं पर, वहीं पर बच्चे। भारत और अमेरिका के मध्य जो बच्चे नौसेना से एक अभ्यास होता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है, भारत और अमेरिका के मध्य। वहां पर एक ऑप्शन देखो, चौथा लिखा है ना सर, भारत और इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया और भारत के मध्य अगर बात किया जाए बच्चे, भारत और अगर इंडोनेशिया की बात किया जाए, तो आपको पता है सर कि इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है, और इसी इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहते हैं बच्चे, मसालों का द्वीप भी कहते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। किसको कहते हैं सर? इंडोनेशिया को कहते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी जनसंख्या तो चीन की है, और दूसरा भारत की है, और तीसरा अमेरिका की है, और चौथा इंडोनेशिया की है बच्चे, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और आपको पता है सर यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे लोगों की संख्या कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अब देखो सर, अगर हम बात करें कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य मध्य बच्चे कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो एक नाम है बच्चे गरुड़ शक्ति, एक नाम है गरुड़ शक्ति बच्चे, और एक का नाम है समुद्र शक्ति। अगर कहीं पर गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दिख जाए तो आप बोलोगे सर ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। अगर आपको वज्र प्रहार दिख जाए तो आप बोलोगे सर ये भारत और अमेरिका का है। कहां का? भारत और अमेरिका का है। अगर इंद्र मिल जाए तो इंद्र बच्चे ने भी जो है वो भारत और रूस का है, भारत और रूस का है। बताओ सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट्स करो बच्चे, सारे बच्चों को बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया रूस, और उसके कुछ ऑप्शन से भी संबंधित था वो मैंने बता दिया, भारत इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति, इंद्र नेवी भारत रूस, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, ठीक है। चल, मसालों का देश इंडोनेशिया, और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन रटना चाहो तो भारत में मसालों का राज्य स्पाइसी स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप बोलोगे केरल जाना जाता है सर, स्पाइसी स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है? केरल जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये बात याद रखना, रटना कैसे भी करके बच्चे तैयार जरूर रखना है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य केंद्र शासित राज्य से है, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की बच्चे। डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, 30 सेकंड में दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे डोगरी भाषा का संबंध भारत के किस राज्य से है, राज्य या केंद्र शासित राज्य, ये भी लिखना बच्चे,
सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। हो गया होगा, ठीक है। चलो अब यहां सबसे पहले तो भाषा की बात की गई है। अगर हम पूछे कि सर जो भारतीय भाषा की संख्या है, तो आपको पता है भारत की भाषा राष्ट्र बच्चे राजभाषा क्या है, हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारत का राजभाषा घोषित किया गया, जिसका नाम क्या था, हिंदी था बेटा, क्लियर हो जाएगा। और 1965 से आजीवन दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब हम बात करते हैं भाषा, भाषा कौथी अनुसूची में है जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर भाषा 8वीं अनुसूची में है। अब ये 8वीं अनुसूची में है, तो अगर यहां से मैं पूछूं, चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, कि सर मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो आप बोलोगे 14। तो 14 के बाद अब वर्तमान में अगर हम भाषा की संख्या देखें, तो वर्तमान में भाई बताओ भाषा कितना है, 22 है। तो 14 से कितना हुआ, 22, यानी कितनी बढ़ाई गई, 8 भाषाएं बढ़ाई गई। इसी 8 में डोगरी था बच्चे, इसी 8 में डोगरी भाषा भी बढ़ाई गई थी 2001 में। डोगरी भाषा बच्चे 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुआ, तो आप बोलोगे 2001 में शामिल हुआ। सर कब शामिल हुआ, 2001 में शामिल हुआ बच्चे, ठीक है। नोट कर लो, भाषा का प्रावधान 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में भाषाएं 14 थी, अब बढ़कर 22 हो गई, टोटल हमने 8 बढ़ाया है और वर्तमान में संख्या 22 है, ठीक है। और डोगरी भाषा को कब शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, तो आप बोलोगे 2001 में शामिल किया गया सर, 2001 में। अब क्वेश्चन को देखो, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है। अब डोगरी जो भाषा है, इसका अगर संबंध पूछे तो एक राज्य से है, जम्मू कश्मीर से है। कौन से राज्य से है, जम्मू कश्मीर से। तो यहां पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा बच्चे। अब जम्मू कश्मीर में इस समय 5 भाषाएं हैं बेटा। जम्मू कश्मीर में भाषाएं देखा जाए तो कितनी है, 5 है। एक का तो नाम उर्दू सुना होगा, उर्दू के बाद अंग्रेजी भी है बच्चे। और 5 अगस्त 2019 से आपको पता है सर, यहाँ इनको सभी राज्यों के समान दर्जा मिल गया, धारा 300 अनुच्छेद 370 हट गया, तो यहाँ पर एक और भाषा आ गई, सर हिंदी भी आ गई। हिंदी के साथ साथ डोगरी को भी आधिकारिक भाषा बना दिया गया और साथ साथ कश्मीरी भाषा भी है बच्चे। तो अब कश्मीर में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर यहीं पर यूपी की बात करें, तो यूपी में पहली जो भाषा है वो हिंदी है और दूसरी जो भाषा है वो क्या है, उर्दू है बेटा। पहली है हिंदी यूपी में, और दूसरी भाषा का नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन होगा सर, वो हो जाएगा आपका बेटा क्या, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताओ। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताएंगे बच्चे, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बताएंगे। और पुंडुचेरी, पुंडुचेरी ही है आपको पता है सर, ठीक है। और हाँ बेटा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और अगर बच्चे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो राज्य होने के साथ साथ 3 राज्यों में है, तो आप बोलोगे पुंडुचेरी है सर। माहे जो इसका जिला है वो केरल में है, इसका जो यनम जिला है वो आंध्र प्रदेश में है, और इसका जो कराईकल है और खुद पुंडुचेरी है ये तमिलनाडु में है। यानी भारत का इकलौता है, और आपको पता है सर ये केंद्र शासित राज्य है, यहां बच्चे राज्यपाल नहीं होते हैं, आपको पता है उपराज्यपाल होते हैं। और देख लेना मेरे ख्याल उपराज्यपाल, भारत की पहली आईपीएस महिला, भारत की पहली आईपीएस महिला किरण बेदी है। भारत की पहली आईपीएस महिला कौन है, किरण बेदी है बच्चे, पुंडुचेरी की पहली आईपीएस महिला है पुंडुचेरी की। तो ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिएगा,
फोर्थ नंबर देखिएगा, पढ़िए जल्दी से पढ़िए, स्पीड मेंटेन करो बच्चे, है ना, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो सारे बच्चे जल्दी से, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी जिसने हाल ही में अपराध आंकड़े जारी किए, हाल ही में अपराध आंकड़े जारी किए, जल्दी से बताओ बच्चे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो इन्होंने अभी बच्चे हाल ही में अपराध का आंकड़ा जारी किया था, वो आंकड़ा मैं सारे आपके सामने अभी ला दूंगा बच्चे, ठीक है, जल्दी से आंसर दो अगर किसी बच्चे को पता हो। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, तो सबसे पहले तो इसका जो आंसर होगा बच्चे नहीं जानते होंगे अगर आप लोग, तो 1986 होगा, 1986 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो स्थापना, मुख्यालय अध्यक्ष ठीक है, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष कौन होगा बच्चे रामफल पवार कर लो, किस मिनिस्ट्री के अधीन रहता है तो आपको पता है सर गृह मंत्रालय के अधीन रहता है, किस मिनिस्ट्री के अधीन रहता है गृह मंत्रालय, सारे आपराधिक बच्चे जो होते कार्य वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, यानी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों सुरक्षा है बेटा, ठीक है, नोट करो इसको आपका, क्वेश्चन तो सही हो गया है। अब इसके जो डाटे आए हैं सर वो मैं डाटा मेंटेन करा देता हूं, बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर लो बच्चे, यानी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना 1986, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष रामफल पवार, और आपका बच्चे किस मंत्रालय के अधीन है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता, और गृह मंत्री कौन है जल्दी से बताओ सारे बच्चे, गृह मंत्री कौन है, भारत का गृह मंत्री कौन है। अब इसने जो आंकड़ा दिया है सर ये आंकड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे सारे, अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो 1,42,123 लोगों ने इस साल आत्महत्या की है बेटा, और अगर यही आंकड़ा हम 2018 में देखें बच्चे तो 2018 का आंकड़ा देखें तो 1,34,516 लोगों ने क्या किया था आत्महत्या किया था। अगर यही आंकड़ा हम 2017 तक चले जाएं बच्चे तो 2017 में 1,32,887 लोगों ने बच्चे ये आत्महत्या किया था, यानी आप देख रहे हो बच्चे कि दिन प्रतिदिन भारत में आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही, अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो, और ये रिकॉर्ड देने का श्रेय है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, क्लियर हो जाएगा। अब इसने कहा कि सब 2017 में 1,32,887 लोग मरे थे जिनकी संख्या बढ़कर 18 में 1,34,516 हो गई, और 19 में इनकी संख्या 1,42,123 पहुंच गई बच्चे, ठीक है, ये तो था बच्चे डाटा हमारा। अगर इसमें हम पूछे बच्चे 19 में पूछे, क्योंकि हमें 19 का करंट डाटा चाहिए बेटा, तो अगर इसमें ही हम बच्चे पूछे कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसने किया है ना बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे सर्वाधिक आत्महत्या बच्चे, इसको ऐसे मेंटेन करना, सर्वाधिक आत्महत्या दिहाड़ी मजदूरों ने किया, किसमें किया बेटा दिहाड़ी मजदूरों ने किया है, और इनकी संख्या है 23.4%, यानी जो टोटल बच्चे 1,34,000 मरे हैं ना उसमें 23.4% लोग जो है वो दिहाड़ी मजदूर हैं बच्चे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आया है आत्महत्या में गृहिणी बेटा, जो महिलाएं होती हैं जो घरों में हैं बच्चे काम करती रहती हैं, यानी कि अपनी महिला बच्चे परिवार, ठीक है, गृहिणियों की संख्या लगभग 15.4% है, ठीक है। अगला है बच्चे कि और बच्चे तीसरा स्थान बेरोजगार लोगों का है 10.1%,
यानी टोटल जो 1,34,000 इस बार 1,42,000 लोग मरे हैं बच्चे, उनकी संख्या में 1,42,000 में बच्चे हमारे 23.5% के करीब कौन है, तो दिहाड़ी मजदूर है बच्चे। गृहिणी की संख्या 15.5% के करीब है और 10% के करीब बच्चे बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। ठीक है, ये डाटा रहा, इसी में थोड़ा सा और करना। अगर हम पूछे बच्चे कि आत्महत्या में शादीशुदा का प्रतिशत कितना रहा, आत्महत्या में शादीशुदा बच्चे जो थे वो 67% के करीब थे, 67.7% के करीब। ठीक है बच्चे, 66 होगा, 66 होगा बेटा। और अगर हम इसमें कुंवारे की बात किया जाए जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो 23.3% लोगों ने आत्महत्या किया। ये रेशियो है भारत का। और अगर इसी सब में पूछा जाए सर्वाधिक आत्महत्या कहां के लोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र है पहले पोजीशन पर। महाराष्ट्र की राजधानी बताओ सारे बच्चे, महाराष्ट्र की राजधानी बताओ सारे बच्चे। यहां पर जो टोटल मरे हैं इसी राज्य में अकेले 38.2% लोगों ने आत्महत्या किया बच्चे। ठीक है, और अगर हम किसानों का डाटा निकाले बेटा, तो लगभग 10,281 किसानों ने बच्चे इस साल भारत में आत्महत्या किया। 10,281 किसानों ने आत्महत्या किया बच्चे, आत्महत्या किया। ये किसी बच्चे किसान जो होता है वो हमारे देश का अन्नदाता होता है बच्चे। अगर यही किसान अन्न का उत्पादन ना करे तो भारत देश में कितने लोग भुखमरी से मर जाएंगे बेटा। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है बच्चे। लेकिन आप देख रहे हो सर, इतने किसानों ने इस साल आत्महत्या किया है, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने आत्महत्या पर डिस्कस नहीं किया। इस सरकार से पूछा ही नहीं किसी ने, सर किसान मर रहे हैं, आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दिहाड़ी मजदूर देखिए सर कितने मरे, शादीशुदा लोगों पर प्रेशर है सर कि वो अपने परिवार को जियाए कैसे, खाना कैसे खिलाएं सर, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो बच्चे बस क्या करते हैं, पंखा झूल जा रहे हैं। यार क्यों ऐसा कर रहे हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप डायलॉग मार देते हो मैं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हूं ये कर दूंगा, मत करो यार, पहले तो हमारी बेसिक नेसेसिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यानी जो रोटी कपड़े मकान का उपलब्धता है उसे तो आप पूरा करो बच्चे। ये है, इतने लोगों के बारे में किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं चलता है। न्यूज चैनल तो रिया चक्रवर्ती के पीछे परेशान है बेटा, कब वो टॉयलेट जा रही है, कब खाना खा रही है, कब पानी पी रही है, हम तो इसमें परेशान है। हम अमिताभ बच्चन के कोरोना के पीछे परेशान है। अरे ये देश के बच्चे असली हीरो हैं भाई, देश में हीरो दो ही लोग हैं, एक तो मैं भारतीय सैनिकों को मानता हूं और दूसरा बच्चे ये है, ये अन्नदाता है सर। अनाज का उत्पादन बच्चे दिन रात मेहनत करके करते हैं, लेकिन एक टीवी चैनल वाला बस डायलॉग मार देते हैं। अगर मैंने किसानों के बच्चे, अभी मोदी सरकार ने कहा कि हम 2022 में किसानों की आय का दोहराकरण कर देंगे, कहां से कर दोगे यार, डीजल 80 रुपए में रख रखे हो, पेट्रोल इतना महंगा है, ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, किसान खेती कर नहीं पा रहा है, यूरिया डाई पा नहीं रहा है, जब उसे खेती करने के समय की बात आती है बेटा खाद मिलती ही नहीं है, तब तक तो खेत खराब हो चुके होते हैं बच्चे, जब खाद मिल रही है तब तक तो खेत का कहानी लग चुका है। तो ऐसे है सर, इतने किसानों ने सर आत्महत्या की, लेकिन किसी भी चैनल वालों ने नहीं दिखाया। अभी किसी मंत्री का बेटा गायब हो जाता है, 4 दिन तक वही लगाए रहते हैं, इनको कहते हैं तो मरने के लिए। अभी कुछ मंत्रियों के बच्चे अल्फाज बिगड़ गए, कुछ मंत्रियों ने कहा कि युवाओं को नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका ठेका नहीं खाया हूं नौकरी देने के लिए। आप किस लिए बने हो भाई, फिर छोड़ो इस्तीफा दो भाग जाओ, जो अगला आएगा अगले से मांगा जाएगा, कोई ना कोई तो देगा ही बच्चे, चलो फिलहाल। लेकिन ये हमें डाटा देना था सर, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लगातार देख रहे हो कि 5,000 से 7,000 आत्महत्या, ये डाटा भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, एक प्रोफार्मा है ये, कुछ लोग तो गायब हो जाते सर पता ही नहीं चलता है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से, 5वां क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, देखिए बेटा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई यानी हथियार का सप्लाई नहीं करेगा नीति का पालन करने की घोषणा की, जल्दी से बोलो। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन।
यानी वह कौन सा देश है जिसने कहा है कि अब हम भारत सॉरी अब हम पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई नहीं करेंगे, हम अब पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई नहीं करेंगे। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, आंसर बताओ। सारे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो, आंसर दो, बहुत तेज दो, और वीडियो को शेयर भी करते रहो बच्चे, अपने बच्चों तक पहुंचा दो। और आपके जीवन का ये 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 दिन, अब तो 90 दिन बचा। हो गया होगा। चलो बच्चे, पाकिस्तान को हथियार ना देने की घोषणा रूस ने की है बच्चे, और आपको पता है रूस किसका पड़ोसी मित्र है बेटा, भारत का सबसे पुराना मित्र है बच्चे, जो हर तरफ से भारत के पक्ष में खड़ा होता है, ठीक है। तो अभी बच्चे नो आर्म सप्लाई नीति का पालन करने की घोषणा की रूस, रूस ने कहा है साफ लफ्जों में कि अब मैं पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रूस बच्चे, ठीक है। अभी देखो एक करंट न्यूज और ले लो भाई, एक करंट न्यूज और ले लो सारे बच्चे, जल्दी से ध्यान से देखो। अभी बच्चे भारत और रूस ने एक और समझौता किया है, ठीक है, और वो समझौता है एके 2003 का, ये एके 47 का लेटेस्ट वर्जन है बच्चे, और इसमें क्या है, एक मिनट में 600 बुलेट निकलेगा, एक मिनट में 600 बुलेट निकलेगा बच्चे, ये समझौता है भारत और रूस के मध्य। अब ध्यान से देखिएगा ये बनाई कहां जाएगी, तो ये बनाया जाएगा भारत में, बनाया जाएगा कहां, भारत में, भारत में कहां, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहां, अमेठी में, याद रहेगा उत्तर प्रदेश में कहां बनेगा, तो अमेठी में बनाया जाएगा। ये डील किया है भारत और रूस ने मिलकर, AK-47 का लेटेस्ट वर्जन है, AK-2003 है, 600 बुलेट एक मिनट में निकलेगी, और ये बनाया जाएगा भारत देश के उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ये भी एक करंट पॉइंट हो गया। तो नो आर्म सप्लाई जो पाकिस्तान को नहीं करेगा वो रूस होगा, और रूस ने भारत के साथ ये समझौता किया है AK-47। ऐसे बच्चे भारत और रूस के मध्य की एक मिसाइल भी है ब्रह्मोस, आपने देखा होगा बच्चे सुपरसोनिक मोबाइल बच्चे, क्या कहते हैं आपकी ये मिसाइल है, और आपको पता है ये दो नदियों के नाम से है बच्चे, एक ब्रह्मपुत्र नदी है और एक मास्को नदी है, इन दो नदियों के मध्य बच्चे ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया था, ठीक है बच्चे, सुपरसोनिक है, नोट कर लो इसे। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया होगा। तो आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। सारे बच्चे देखिए, भारत देश में सर्वाधिक नेत्रदान किस राज्य द्वारा किया जाता है, कामा हाल में ही बच्चे एक राज्य के सीएम ने मरने के बाद नेत्रदान करने की घोषणा की है। एक बच्चे करंट का क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मरने के बाद बच्चे नेत्रदान की घोषणा की है, और भारत का वह कौन सा राज्य है बच्चे जहां पर सर्वाधिक नेत्रदान बच्चे अंगदान दुनिया का सारा दान वहीं पर मिलता है, भगवान का दान, सोने का दान है ना, सारा दान है बच्चे, कोई राज्य बताओ। यूपी है, यूपी तो आपको पता ही होगा, यूपी वाले इतना तो है नहीं बच्चे ना, सीधा आंखें दान कर देंगे, सीएम भी बहुत अच्छे हैं बेटा है ना, जो आंख दान कर देंगे। बिहार नीतीश कुमार सीएम है, उम्मीद मत करना। गुजरात बच्चे आपको पता है विजय रूपानी वहां के सीएम है, और एक तमिलनाडु है बच्चे पलानस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। आप बताओगे बच्चे कौन सा राज्य, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से,
गया होगा। चलिए इसमें देखते हैं बच्चे, अगर हम नेत्रदान की बात करें भाई, अगर हम नेत्रदान की बात करें तो देखो यार, नेत्र में जो दान किया जाता है वो कॉर्निया होता है। लेंस का नाम सुना होगा बच्चे, यही आंख का एक पार्ट है जिसे हम दान स्वरूप दे देते हैं। क्लियर हो जाएगा? तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया, हम नेत्रदान में दान क्या करते हैं? तो आप बोलोगे सर कॉर्निया देते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के सीएम ने, तो किस राज्य के सीएम ने दिया था? कोसरा क्या कि तमिलनाडु का जो सीएम है बच्चे, इनका नाम है पलान स्वामी। तमिलनाडु के जो बच्चे मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है पलान स्वामी। इन्होंने कहा है कि मैं मरने के बाद अपने आंख को क्या करूंगा, दान पेटी में डाल दिया हूं बच्चे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य होगा। अगर बच्चे यहाँ पर हम राज्यपाल की बात करें कि गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल है बच्चे। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल है। यानी तमिलनाडु के गवर्नर कौन है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? सीएम हो गए पलान स्वामी और गवर्नर हो गए बनवारी लाल। ठीक है, अब तो ऑप्शन आपका सही हो गया कि तमिलनाडु होगा सर। और बच्चे नेत्र में हम दान क्या करते हैं बेटा, ध्यान से कहीं लिख लेना, अंगदान, नेत्रदान, दुनिया का महादान है ना बच्चे, तिरुपति बालाजी महाराज की जय। ये सभी बच्चे वहां सोने वोने चढ़ते रहते, देखते ही रहते हो बेटा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्म तो वही हुआ था। ठीक है, और तमिलनाडु बच्चे कोरोमंडल तट पर है। और बच्चे ये याद रखना, तो कॉर्निया को हम दान करते हैं सर। क्या दान करते हैं? कॉर्निया को हम दान करते हैं। अब दो तीन क्वेश्चन और देखो सर। तमिलनाडु को पहले हम मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में जानते थे। कौन सी प्रेसिडेंसी? मद्रास। और मद्रास प्रेसिडेंसी के बाद ये तमिलनाडु पड़ा। और तमिलनाडु बच्चे का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो चेन्नई है। ठीक है बेटा, क्या है? चेन्नई। चेन्नई में भारत का सबसे लंबा बीच है, उसे हम मैरीना बीच कहते हैं। तमिलनाडु का बच्चे जो चेन्नई शहर है, यहाँ पर कौन सा बीच है? मैरीना बीच है बेटा। कौन सा बीच है? मैरीना बीच है बेटा। ठीक है, अब ये बच्चे मैरीना बीच आपका खत्म हो गया। भारत का सबसे लंबा बीच है, 13 से 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का ही नया नाम तमिलनाडु पड़ा। और तमिलनाडु के बच्चे राजधानी चेन्नई, मद्रास शहर का नाम चेन्नई शहर है बेटा। ठीक है, इसे मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैं लिख रहा हूं, परेशान मत होइएगा। अब मैरीना बीच भी आपका हो गया। अब अगर बच्चे बात किया जाए, अब ये जो अंगदान की, नेत्रदान की बात हुई थी बच्चे, अभी एक राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा चल रहा है, ये भी करंट पॉइंट है। राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा मनाया गया है बच्चे। ठीक है, और ये चल रहा है 25 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक, 8 सितंबर तक, 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा दिवस है। और इसी पखवाड़े दिवस के उपलक्ष में पलान स्वामी जो तमिलनाडु के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मरने के बाद अपने नेत्र को दान दे दिया है बच्चे। ठीक है, तो नेत्र पखवाड़ा दिवस कितने दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा बच्चे। कितने दिन चलेगा ये? 15 दिन चल चुका है। क्लियर हो जाएगा बेटा? तो आपको मैंने बच्चे मैरीना बीच के बारे में भी बता दिया, और राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा और किस सीएम ने कहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो सर, ये जो चेन्नई है इसे मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? तो आप बोलोगे सर चेन्नई शहर है। ठीक है बेटा, फिर अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनाओ बेटा कि यहाँ का जो भाषा है, तमिलनाडु की जो भाषा है वो तमिल भाषा है बच्चे। तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल भाषा है, और यहाँ का नृत्य है बच्चे भरतनाट्यम। भारत नाट्यम है बच्चे, ये सारे बच्चे आप याद रखना।
मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया चेन्नई, मैरीना बीच चेन्नई में, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था वो राज्य बना तो नए राज्य का नाम तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम का नाम पलानस्वामी, राज्यपाल का नाम बनवारीलाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नृत्य पखवाड़ा पर आंख दान कर दिया मरने के बाद, तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु। बच्चे नृत्य पखवाड़ा कब से कब चला, तो आप 15 अगस्त 8 सितंबर 15 दिन तक, ठीक है ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, यहीं पर एक शहर है बच्चे, यहीं पर एक शहर है मदुरे, मदुरे, और मदुरे इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे मंदिरों का शहर कहते हैं, ठीक है मंदिरों का शहर कहते हैं इसे, और मदुरे में बच्चे मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर, कौन सी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, और इसका जो आकार है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आकार है पिरामिड, आकार क्या है बच्चे पिरामिड है, देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है बेटा, ये जो पिरामिड आकार के मंदिर होते हैं सर ये द्रविड़ शैली में बने होते हैं, कौन सी शैली में बने होते हैं बच्चे, द्रविड़ शैली में बने होते हैं, और जो ये वाले मंदिर होते हैं बच्चे, ये वाले जो मंदिर होते हैं बच्चे, ये वाले जो मंदिर होते हैं आप इन्हें कहोगे ना सर नागर शैली में, कौन सी शैली में बेटा, तो नागर शैली में, इस शैली की मंदिर कम दिखाई देगी, इस शैली की मंदिर आपको भारत में ज्यादा दिखाई देगी बेटा, ठीक है, ये द्रविड़ शैली मीनाक्षी अम्मम का मंदिर कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा, और शिव पार्वती का है बच्चे, शिव पार्वती का मंदिर है, ठीक है पिरामिड आकार का है सर, और अगर ये वाला आकार आपको कहीं दिख जाए तो ये नागर शैली है बेटा, ये द्रविड़ शैली हमारा, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरे, और मदुरे कहां है, तमिलनाडु में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जो भी एग्जाम में कई बार आया है, मैंने कहा था स्टैटिक्स जी के होगा, कुडनकुलम प्रमाण संयंत्र, कुडनकुलम प्रमाण संयंत्र, प्रमाण बिजली घर है बच्चे, और ये बनाया गया है रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक है कहां है, तमिलनाडु में, एक प्रमाण संयंत्र है बच्चे, और आपको पता है इस संयंत्र को चलाने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता होती है बच्चे, यूरेनियम की आवश्यकता होती है, और यहां पर इस प्रमाण संयंत्र में नाभिकीय, इन प्रमाण संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है बच्चे, और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, संलयन का मतलब जो लगातार बनता रहे कभी ना खत्म हो, इसीलिए सौर ऊर्जा पर आजकल हम लोग बच्चे ज्यादा लक्ष्य बनाए हुए हैं। तो ये आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का सारा पॉइंट्स था, मैंने आपको दे दिया बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 7th क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, 7 नंबर को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर मत करना। हाल ही में विश्व का पहला सौर औद्योगिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया बच्चे, यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, जल्दी से बताएंगे बेटा, तो यहां पर आंसर जो होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, सौर का मतलब भाई देखो ऊपर भी तो मैंने सोलर प्लांट के ही बारे में पूछा है बेटा, तो यहां पर एक ही तो सौर से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, इकलौता संगठन जिसका मुख्यालय, जिसका मुख्यालय भारत में, तो भारत में कहां, गुरुग्राम,
भारत में कहां? गुरुग्राम, और गुरुग्राम को ही हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं, हरियाणा में है, एनसीआर में शामिल हो रहा है बच्चे, ठीक है। गुरुग्राम में बच्चे हरियाणा में है, और इकलौता अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसका मुख्यालय भारत में है, और भारत में कहां है तो आप बोलोगे सर गुरुग्राम में। अगर मैं पूछूं इसकी उत्पत्ति कब हुई तो आप बोलोगे सर उत्पत्ति इसकी 2015 में हुई, ठीक है। इसके लिए बच्चे पेरिस सम्मेलन का आयोजन किया गया, कौन से सम्मेलन में? पेरिस सम्मेलन में। और आपको पता है पेरिस सीन नदी के किनारे है, मैंने अभी बताया था, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है बच्चे। और पहला जो बच्चे पेरिस सम्मेलन में ही इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इकलौता संगठन जिसका मुख्यालय इंडिया में है, इंडिया में कहां सर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव है, कौन से राज्य में है? हरियाणा में है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है बच्चे, ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अमूल कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उत्पत्ति 2015 में हो गई थी, कौन से सम्मेलन में? पेरिस सम्मेलन में। अब रुके रहना, अभी यहां पर और दो तीन क्वेश्चन है। अब भाई इस सम्मेलन में भारत की भी तरफ से तो किसी ने भाग लिया होगा, तो भारत की तरफ से भाग लेने वाले स्वयं थे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चे, और फ्रांस के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम था बेटा इमोनुएल बेटा, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या था? इमोनुएल मैक्रो। इन दोनों ने मिलकर पेरिस समझौते में किया बच्चे। अब अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सर, कि ये जो सौर ऊर्जा है सर, आपको पता है बेटा भाई जहां पर सौर ऊर्जा की जरूरत होगी, जहां सोलर सिस्टम होगा, यानी कि सूर्य की किरणें होंगी, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और इसके मध्य जितने भी देश हैं भाई, वहीं पर तो सौर प्रणाली सफल हो सकती है बच्चे। तो यहाँ पर करीब 121 देशों ने बेटा, कितने देशों ने, यहाँ पर संभावित देश जो शामिल हुए हैं बच्चे, संभावित देशों की संख्या है 121। अब इस पर बच्चे अब तक हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया है? हस्ताक्षर किया है बच्चे करीब करीब, आपके हस्ताक्षर किया है करीब करीब 81 देश ने बेटा, हस्ताक्षर किया है कितने? 81 देश ने अब तक हस्ताक्षर कर दिया है सर, ठीक है चलिए। और 58 से ज्यादा लोग इस पर एग्री और हो गए हैं बच्चे, जलहीन की संख्या और बढ़ जाएगी, जलहीन की संख्या और बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया, अभी रुके रहना, यहीं पर दो और करंट के क्वेश्चन है। एक योजना है बच्चे, उस योजना का नाम है कुसुम योजना, योजना का नाम क्या है? कुसुम योजना। कुसुम योजना चलाया गया सोलर जो पंप बांटा जा रहा है बच्चे, सोलर पंप के लिए सब्सिडी दी जा रही है, सोलर पंप के लिए क्या दी जा रही है? सब्सिडी दी जा रही है, इसीलिए सर कौन सी योजना चलाई गई? कुसुम योजना चलाई गई है। और एक बच्चे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसका नाम सौर वृक्ष है, क्या नाम है? सौर वृक्ष है बेटा, इसे हमने लगाया है दुर्गापुर में, और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और ये जो सौर वृक्ष है बच्चे 35 पैनल लगे हुए हैं इसमें, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है, विश्व का सबसे बड़ा सौर प्लांट है, 35 पैनल लगे हैं दुर्गापुर, और दुर्गापुर में ही एक स्टील प्लांट है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सेकेंड फाइव ईयर प्लान में आया था बच्चे, ठीक है, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में आया था, ये बात याद रखो, नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, तो हमने बता दिया कि पेरिस सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को बनाया गया, ठीक है, उसका मुख्यालय कहां बताया? वो भारत में है, भारत में कहां है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव था, किन दो लोगों ने मिलकर किया बच्चे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और इनेमुएल जो बच्चे राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, इन्होंने भाग लिया।
121 संभावित देश थे जिसमें 81 लोगों ने इस बच्चे सौर पैनल पर बच्चे अपना सिग्नेचर कर दिया, यानी लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास ताकि बच्चे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है बेटा, कुसुम योजना भी बता दिया, सोलर पंप जो बांटे जाते सरकार इसके तहत लोगों को किसानों को सब्सिडी देगा। और फिर मैंने कहा जो सौर वृक्ष है ये 35 पैनलों का वृक्ष टाइप का बनाया गया है, पूरा सिस्टमेटिक नेट पर डालोगे तो आ जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा सौर प्लांट है जो पश्चिम बंगाल में लगा है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट भी एक है बच्चों जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहयोग से बनाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहयोग से बनाया गया ये आप बच्चे हमें बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिका ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया, लाइन जज करने के कारण। बच्चे ध्यान से देख लो, यहां पर नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पर बच्ची एक कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट होता है, यहाँ पर लाइन बनी होती है सर। ठीक है, कभी भी आप खेलो, खिलाड़ी यहाँ पर बच्चे देखो दो तीन महिलाएं खड़ी रहती हैं बच्चे जो सर्विस लाइन को देखती रहती हैं। तो बच्चे ये मैच चल रहा था अमेरिकन ओपन का, और अमेरिकन ओपन में बच्चे नोवाक जोकोविच का पॉइंट 5 था और पड़ोसी जो बच्चे उनके अपोजिट थे उनका 6, यानी नोवाक जोकोविच ये मैच हार रहे थे। और हारने के बाद वो बच्चे गेंद पर इतने गुस्से हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपने रॉकेट से बच्चे गेंद को लिया और पीछे से फट से मार दिया। वो गेंद बच्चे गिरने के बाद जो पीछे महिला खड़ी थी सर्विस लाइन को देख रही थी उस महिला के बच्चे गले में लग गया, वो चोटिल हो गई। हालांकि इसके लिए बच्चे नोवाक जोकोविच ने माफी भी मांगा, लेकिन रूल ये कहता है कि कभी भी आप लाइन जज नहीं कर सकते हो, और इसके कारण बच्चे नोवाक जोकोविच को अमेरिकन टेनिस से बाहर होना पड़ा, अमेरिकन ओपन से बाहर होना पड़ गया। तो यहां पर जो बच्चे आंसर हो जाएगा कि लाइन जज पर गेंद मारने के कारण एक महिला घायल हो गई थी, माफी भी मांगा इन्होंने, फिर भी बच्चे वहां पर जो रूल था वो बच्चे रूल था उसके कारण ये बाहर हो गए। और ये सर्बिया के खिलाड़ी है बच्चे, नोवाक जोकोविच कहां के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी है बच्चे, कहां के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी। एक बात याद रखिएगा, और हाँ याद रखो बच्चे ये FWA लिख लो कहीं पर, इसको लिख लेना AFWA, अमेरिकी ओपन। ये साल का बच्चे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साल का जो पहला बच्चे ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है, और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, अमेरिकन ओपन से। तो अमेरिकन ओपन से कौन बाहर हो गया, तो आप बोलोगे सर नोवाक जोकोविच क्यों बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने लाइन जज का बच्चे क्या किया था, उल्लंघन किया था, बॉल को उन्होंने पीछे हिट कर दिया, तेज मारा था, तो उसके बच्चे महिला के लगने के बाद गले में चोट लगी, माफी भी मांगा लेकिन रूल के कारण बच्चे वो बाहर हो गए। ठीक है, गुस्से में आ गए थे, हालांकि पहली बार ऐसा देखा गया है। ठीक बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी देखिएगा, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, इनके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है बच्चे, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। पहला, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पीएम संगमा को हराया। तीसरा, आरबीआई के गवर्नर थे। उपयुक्त सभी जल्दी से आप बताएंगे हमें, जल्दी से बताइए बेटा। आपको पता है सर, अभी मैंने क्वालिटी के क्लास में बताया था कि भारत देश के जो 15वें राष्ट्रपति हैं, जो 15वें राष्ट्रपति हैं बेटा वो रामनाथ कोविंद हैं। तो आपको पता है राम
रामनाथ कोविंद से पहले भारत का बच्चे राष्ट्रपति कौन था? तो आप बोलोगे सर प्रणब मुखर्जी ही तो थे। तो प्रणब मुखर्जी कौन थे? राष्ट्रपति थे। 14वें ऑप्शन में पहला क्या है? 11वें। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो जब पहला गलत हो गया तो क्या चौथा सही होगा? चौथा भी गलत हो गया। यानी कि अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक सेकेंड ऑप्शन बचा। और एक तो आपने कभी जीवन में नहीं सुना था कि प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे बच्चे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। कभी प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री आरबीआई के नहीं बने, तो आपको भी पता है सर। तो फिर खत्म हो गया। अब बच रहा है कौन? सेकंड। तो इन्होंने सर अपने चुनाव में पीएम संगमा को पराजित किया था, और पीएम संगमा ने ही बच्चे नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन किया था। और ये आपको पता है एसटी थे, अनुसूचित जनजाति। तो लिख लेना पीएम संगमा एसटी थे, और इन्होंने पार्टी बनाई थी पीपुल नेशनल पार्टी, और ये भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। ये भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी पीपुल्स नेशनल पार्टी, पीएम संगमा एसटी थे बेटा। लोकसभा अध्यक्ष देख लीजिएगा या उपाध्यक्ष भी थे, बताना क्या थे। हो गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में औद्योगिक समूह ने, कौन सा ऐसा औद्योगिक समूह है बच्चे जिसने फ्यूचर समूह के साथ खुदरा, यानी कि बच्चे खुदरा का मतलब फुटकर और थोक बच्चे दोनों कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की? जल्दी से बोलो। पहला है टाटा समूह, आईनॉक्स समूह, रिलायंस समूह, अडानी समूह। यानी फ्यूचर समूह का कोई पार्ट था जिसे बच्चे किसी भी समूह ने खरीद लिया है और वो मार्केटिंग का काम कर रहे थे बच्चे, ठीक है। तो आप याद रखो सर जी, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करो, जल्दी जल्दी खुद दो बेटा। अब यहां पर बच्चे ध्यान से देखो, जो फ्यूचर ग्रुप है, जो फ्यूचर समूह है, इसी का है बिग बाजार। नाम तो सुना ही होगा, कौन सा है? बिग बाजार। और बिग बाजार को खरीदा है बच्चे रिलायंस ने। बिग बाजार को किसने खरीद लिया? रिलायंस ने खरीद लिया बच्चे। फ्यूचर ग्रुप का था बिग बाजार, देखा होगा बिग बाजार, ठीक है। बहुत बड़े बड़े शहरों में भी है, छोटे शहरों में भी है। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? रिलायंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए जल्दी से। हाल ही में किस भारतीय मूल की जासूस को ब्रिटेन के ब्लू प्लांग सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? हाल ही में किस भारतीय मूल की जासूस को ब्रिटेन के ब्लू प्लांग सम्मान से सम्मानित किए जाने की क्या की है? घोषणा की है। यहां पर जो आंसर होगा नूर इयानत खान, नूर इयानत खान, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नूर इनायत खान, ठीक है बेटा। ये आपका 11 नंबर हो गया। बस इतना याद रखा, ब्रिटेन का जो ब्लू प्लांक है उससे सम्मानित करेंगे बच्चे किसको? तो आप बोलोगे सर नूर इनायत खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। हाल ही में एलोन मस्क का स्टार्टअप न्यूरालिंक चर्चा में है, न्यूरालिंक प्रयासरत है, न्यूरालिंक प्रयासरत है। यूएफओ का अध्ययन, मंगल ग्रह पर मानव भेजना, कंप्यूटर चिप के मस्तिष्क में इम्प्लांट करने के लिए, और ननाब्दीस। न्यूरालिंक क्या है बच्चे जल्दी से बताओ? बताओ बच्चे।
अब ये जो न्यूरालिंक चर्चा में है सर, बस आप ऐसे याद रखो, हमारी टेक्नोलॉजी लगातार कहां से कहां होती चली जा रही है। पहले हमने कंप्यूटर पूरे घर का बनाया, आज बच्चे हमने कंप्यूटर को अपने पॉकेट में पहुंचा लिया, हमने कंप्यूटर को बच्चे स्लाइड में भी बना लिया है, जापान ने भी बना लिया, बच्चे उसको ना आप ऐसे रिंग की तरह भी पहन सकते हो, यानी कि जैसे हम वॉच लगाते हैं बच्चे वैसे ही आप रख सकते हो। अभी क्या हुआ सर, ये जो न्यूरालिंक हाइलाइटेड है, ध्यान से सुना, ईओएफओ का मतलब होता है बच्चे ये जो होते नहीं तीसरी दुनिया वाले लोग है ना, जिन्हें हम बच्चे ढूंढ रहे हैं आजकल, मिल नहीं रहे हैं बच्चे ना, ईओएफओ वगैरह वो है। अगला बच्चे ध्यान से देखेगा, मानव ग्रह पर मानव भेजना करें, यहाँ पर सर इसमें ये किया गया है कि जो मानव का मस्तिष्क है, आप मेमोरी कार्ड देख रहे हो ना, मेमोरी कार्ड चिप लगती है, अब इसी प्रकार से बच्चे उस चिप को आपके मानव के मेमोरी में क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, और जब वो चिप आपके ब्रेन में लग जाएगा ना सर, तो आप ये जानो कि उस चिप को सीधा मोबाइल से कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, कि आप ऐसे मोबाइल निकाला और बच्चे ने गाना चला दिया, कनेक्ट हो गया और अंदर आप गाना सुन रहे हो, हेडफोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खतरनाक टेक्नोलॉजी से कहेंगे बच्चे, ठीक है। तो न्यूरालिंक का मतलब, न्यूरो का मतलब आप समझ ही रहे हो, ब्रेन से संबंधित है, लिंक का मतलब हमारे ब्रेन को लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है बच्चे, इसीलिए इसका नाम न्यूरालिंक रखा गया है। तो कंप्यूटर चिप के मस्तिष्क में इंटरप्लांट चिप लगाया जाएगा और आप यहां बैठे बैठे सब कुछ करोगे ऑटोमेटिक। अगला आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, बंदा कर क्या रहा है, आंख बंद है, गाना सुन रहे हैं हम लोग, मजा आएगा बच्चे, आप लोग भी इसको लगवाइएगा जरूर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का तीसरा होगा कंप्यूटर चिप के मस्तिष्क में इम्प्लांट करने के लिए बच्चे न्यूरालिंक। न्यूरो का मतलब न्यूरो सर्जन का नाम सुना होगा, जो हमारे ब्रेन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा, 13 नंबर, हाल ही में ओणम पर्व पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी थी, यह पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, यह पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से बताओ। हाल ही में ओणम पर्व प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं दी थी, किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से बोलो, सारे बच्चे बोलो, एक तरफ से बोलेंगे। तो जो ओणम है ये केरल में है और कृषि से संबंधित नृत्य होता है बच्चे, ठीक है। तो ओणम अभी हाल में कौन से राज्य में मनाया गया, केरल में मनाया गया है बच्चे, ठीक है। और आपको पता है सर कि जो केरल है ये सबसे शिक्षित राज्य है। यहां पर एक क्वेश्चन है बच्चे, बैंबूनाथ झील, बैंबूनाथ झील बेटा, ये बैंबूनाथ झील भारत की इकलौती लेक है बेटा, जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। कौन सी प्रतियोगिताएं, नौकायन प्रतियोगिताएं अभी भी आयोजित की जाती हैं बैंबूनाथ झील में बेटा। बैंबूनाथ झील कहाँ का है, भारत का केरल राज्य का है। अगर मैं पूछूं कि मालाबार तट पर कौन है, केरल है। वास्को डिगामा कहाँ आया था, केरल आया था। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, केरल है। भारत का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कौन था, तो इसी केरल का एक जिला था इडुक्की, इसी का एक बच्चे जिला था, क्या नाम था, इडुक्की। इडुक्की भारत का पहला डिजिटल राज्य है बच्चे, कौन सा राज्य, डिजिटल राज्य, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास हेतु कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है बच्चे, कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है, कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है, कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। किरण है, साइको हेल्प इंडिया है, नया सवेरा है, निर्भया है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो पहला होगा किरण होगा बच्चे। अब ध्यान से देखो बच्चे, केंद्रीय जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री है बच्चे, उनका नाम है थावर चंद्र गहलोत,
यही केंद्रीय मंत्री हैं बच्चे इस डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट ने ये बच्चे एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, और इसका नाम क्या है सर, किरण है, किरण है बच्चे। कितने भाषाओं में है ये बच्चे, तो 13 भाषाओं में है, 24/7 है, यानी 24 घंटे और सातों दिन यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी बच्चे। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है बच्चे, वो नंबर आपको 1850 है बच्चे, और 599 है 0019। ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चे, ठीक है, 1850 599 00। नाम क्या रखा गया है, किरण नाम है बेटा, ठीक है। कितने भाषाएं यहाँ पर उपलब्ध है, 13 भाषाओं में बातचीत की जाएगी, 24 घंटे सातों दिन ये चीजें रहेंगी, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है बच्चे। फिर अगला देखिएगा सर, जो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है और मानसिक रूप से वो क्या है, दुखी है बच्चे, ऐसे लोग इस नंबर पर कॉल कर लोगे तो जो कॉल उठेगा तो आप याद रखो वहां से आप बातचीत करोगे किससे, डॉक्टर से। और ये कितनी भाषाओं में है, 13 भाषाओं में। आप हिंदी में बात करना चाहो तो हिंदी, उसमें जब कॉल करोगे तो सेलेक्ट लैंग्वेज आएगा, ठीक है, तो हिंदी हो गया, जो भी बच्चे 13 भाषाएं हैं, इन 13 भाषाओं में आपसे बात करेंगे। और अगर आप मानसिक रूप से परेशान हो तो आपको समझाएंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि आप आत्महत्या जैसे कोई कार्य मत करो। तो यहाँ पर बच्चे दुखी और बीमार लोगों के लिए, जो मानसिक रूप से पीड़ित है उनके लिए बच्चे कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, किरण, टोल फ्री नंबर है 1850 599 00, 24/7 बच्चे, यानी 2400 घंटे सातों दिन है। मैंने बता दिया सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है, थवरचंद गहलोत है बच्चे, इसी डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, जल्दी से बताओ, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है 5 सितंबर को, सारे बच्चों को पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, टीचर डे कितने सितंबर को मनाया जाता है, 5, किसके सम्मान में, या जन्मोत्सव पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे बेटा। लेकिन हमने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पूछा है, हमने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा है बेटा, लिटरेसी रेट पूछा है, लिटरेसी डे। उम्मीद है आंसर दिया होगा बच्चे, लिटरेसी जो होता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, कौन मनाता है, यूनेस्को। अभी मैंने यूनेस्को का फुल फॉर्म लिख दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में ही, पेरिस में मुख्यालय, 1945 में स्थापना, पेरिस सी नदी के किनारे है, और ये बच्चे विश्व धरोहर को संरक्षित करता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सब बता दिया प्रीवियस में, नोट कर लीजिएगा। तो यूनेस्को मनाता है बच्चे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, कितने सितंबर को, 9। अब इसने बच्चे इसकी घोषणा किया था 1966 में, पहला मनाया गया 1967 में, 2020 की जो थीम है कोविड से संबंधित है बच्चे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, लिटरेसी टीचिंग एंड लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड 19। ये बच्चे थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड बच्चे लर्निंग इन द कोविड 19, ठीक है, कोरोना के बारे में जानकारी लेना और उससे सुरक्षित बेटा। तो अंतरराष्ट्रीय बच्चे साक्षरता दिवस की घोषणा यूनेस्को ने किया, कब किया, 1966 में, पहला मनाया गया 1967 में, थीम भी मैंने आपको बता दिया 2020।
नोट हो गया। आपको पता है जनगणना 10 वर्ष पर होती है, लेकिन एक संभावित बच्चे जो डाटा होता है वो 5 साल के बाद जारी होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिटरेसी की बात करें कि भारत देश में बच्चे 2011 में साक्षरता भारत में अगर बात किया जाए तो लगभग 73% थी बेटा, ठीक है। सर्वाधिक थी केरल में, सबसे ज्यादा कहां थी, केरल में, सबसे कम थी बिहार में, ठीक है बेटा। और अगर 2016-17 का बच्चे हम डाटा देखे, यानी 17-18 का देखे बच्चे जो आया है एक डाटा, इसमें बच्चे भारत का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बच्चे 77.7% पहुंच चुका है, ठीक है। यानी कि 73 से कितना पहुंचा, 77.7 पहुंचा। यहां पर फिर से पहला नंबर है बच्चे केरल का, लगभग 96% है बेटा। लेकिन अब बच्चे सबसे कम में तो यहाँ बिहार था ओवरऑल में, लेकिन यहाँ पर कुछ सुधार हुआ, यहाँ सबसे कम हो गया आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का बच्चे इस समय साक्षरता दर चल रहा है 66% बेटा 66 बच्चे। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मैंने बता दिया कितने सितंबर को, 8 सितंबर को, ठीक है। आज हम लोगों ने बच्चे 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, करंट के भी सॉल्व किया, और मैंने इससे संबंधित जितने भी जीके टाइप के क्वेश्चन थे, जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चन डाले जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको सब बच्चे सॉल्व करा दिया। अब आपका काम है सर इसे पढ़िए, इसे मेंटेन करिए, और ये तब तक आपके पास मेंटेन होना चाहिए बच्चे जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। क्लियर हो जाएगा बच्चे? तो ये 15 क्वेश्चन हमने कराया बेटा, अब हम कल बच्चे करीब 15 से 20 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर सॉल्व कराएंगे। करंट के साथ साथ बेटा स्टैटिक्स, जीके के भी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं सॉल्व करा दिया करूंगा, ठीक है बच्चे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा हो तो ना समझो भाई, बस यही कह सकता हूं, ठीक है। और आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो आने वाला 90 दिन है वो एनटीपीसी वाले लोग, ये स्पेशली एनटीपीसी बच्चे हैं याद रखिएगा, उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से है बच्चे, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। करंट तो बहुत आता है, लेकिन आपने देखा बच्चे कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना लिए। अब देखो यहाँ 16-17 का भी पूछ सकता है बच्चे कि 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 73% थी, लेकिन हाफ अर्ली में के बाद में 17-18 में भारत की साक्षरता दर कितनी पहुंच चुकी है, तो आपको कम से कम डाटा तो है आपके पास, ठीक है। तो चलो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।